स्वामी विवेकानंद। अपने आदर्शों और उसूलों को साथ लेकर चलने वाला ये नाम आज किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। ये वही नाम है जिसने उज्जवल भारत के भविष्य को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। 12 जनवरी यानी आज के ही दिन सन 1863 में कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद को यूं तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे, जबकि उनकी माँ भुवनेश्वरी एक गृहिणी थी। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि संन्यास धारण करने से पहले उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद बचपन से पढ़ाई में होशियार थे। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से ही उन्होंने 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था। महज 25 साल की उम्र में घर बार छोड़कर सन्यासी बनने वाले विवेकानंद अपने उसूलों के बड़े पक्के थे। दरअसल स्वामी जी के मठ में कोई भी महिला प्रवेश नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि उनकी माँ भी नहीं। एक बार जब एक शिष्य उनकी माता जी को आदर पूर्वक अंदर ले आया तो स्वामी जी बहुत क्रोधित हो गए थे और कहा था, मैंने नियम बनाया और अब मेरे लिए ही ये नियम तोड़ा जा रहा है। इस बात को सुनकर आप समझ ही सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के लिए उनके उसूल कितने महत्व रखा करते थे। स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी। उन्होंने कहा भी था, ये बीमारियां मुझे 40 साल भी पार नहीं करने देंगी। अपनी मृत्यु के बारे में उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और उन्होंने 39 बरस की बेहद कम उम्र में 4 जुलाई 1902 को बेलोर स्थित रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। स्वामी विवेकानंद गुरु रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना करते थे। रोचक तथ्य तो ये है कि विवेकानंद और गुरु रामकृष्ण परमहंस ने एक ही दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। इतना ही नहीं, गुरु और शिष्य का अंतिम संस्कार भी एक ही दिन बल्लूर के एक ही गंगा घाट पर हुआ था। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।